राजनांदगांव जिला में पारिवारिक विवाद पर पति पत्नी ने मिलकर आत्महत्या कर लिया। मामला गुरुवार का है। ठेलकाडी थाना क्षेत्र के नांगलदाह गांव में हुमन साहू उम्र 52 साल उसकी पत्नी पुन्नाबाई साहू ने एक ही गमछे को दो भाग करके फांसी का फंदा बनाया और गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर बबूर पेड़ में आत्महत्या कर ली थी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को दबाकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया था। मिली जानकारी के अनुसार हुमन साहू का एक लड़का और दो लड़की है, सभी की शादी हो चुकी है। उसका लड़का गणेश साहू दुर्ग में काम करता था। मृतक का लड़का ज्यादा खर्चीला होने की वजह से माता पिता से आए दिन खर्च के लिए पैसा मांगा करता था। इसलिए मृतक दंपति चाहते थे उसका बेटा बहू और पोता पोती उनके साथ गांव में आकर रहे। इसी बात को लेकर के उनके परिवार में अक्सर विवाद हुआ करता था। गुरुवार को भी इसी बात को लेकर के काफी विवाद हुआ और मामला बढ़ता गया। आखिर नाराज होकर के अधेड़ दंपति बबूल के पेड़ में एक गमछा को दो हिस्से कर फांसी के फंदे पर लटक गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने 3-4 दिन बाद गहन जांच शुरू की है और उसके पड़ोसियों के अलावा मृतक दंपति के बेटा बहू से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि कहीं मृतक दंपति के पुत्र और वधु आत्महत्या करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया था। फिलहाल इसमें जांच जारी है। जी सर, ये ठेलगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला और पुरुष आत्महत्या के कुछ मामले आए हैं, इस पर थोड़ा सा जानकारी बताइए। आज दिनांक 25/2/23 को सुबह 6 बजे प्रार्थी गणेश साहू थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके मम्मी पापा ग्राम नागलदाह में बबूर झाड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी महोदय एवं नागलदाह पहुँच कर शव पंजनामा कार्यवाही किया एवं शव को परिजन के साथ एवं पुलिस कर्मचारी के साथ पंजनामा करने के पश्चात पीएम कराने जिला अस्पताल राजाना रवाना किया। पूछताछ पर पता चला कि मृतक कुमार साहू और उसकी पत्नी पुन्ना बाई को सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। अभी जांच जारी है, अभी पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई। महिला पुरुष दोनों के पास से मिले क्या सर? हाँ, दोनों के पास से मिला है। सर, आपका शुभ नाम क्या लिखा? शुभ नाम प्रधान नरेश वर्मा, 117 थाना परिसर।